हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए दोस्तों। कुछ बच्चे लोगों का स्कोर कार्ड आने वाला है। इट्स मीन 23 जून को एग्जामिनेशन है, और उस एग्जामिनेशन के बाद 1563 बच्चे का फिर से नया स्कोर कार्ड बन के आएगा। लेकिन वो बच्चे जो स्कोर कार्ड ऑलरेडी अपने पास रखे हुए हैं, आज उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। और हालांकि बाद में आने वाले बच्चे हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MBBS कॉलेजेस के बारे में, जहां पर आप अपनी पढ़ाई को, इट्स मीन MBBS की पढ़ाई को पूरी करके आप अच्छी जगह पे प्लेसमेंट को ले सकते हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली अगर अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, इट्स मीन दिल्ली जैसे स्टेट में जहां पे बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली आपका करियर भी एक शानदार और गोल्डन तरीके से बन सकता है। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारे इंडिया की राजधानी दिल्ली और इसमें कुछ बेहतरीन MBBS कॉलेजेस के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और अपडेट्स, कुछ दिल्ली के MBBS कॉलेजेस के बारे में मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। दोस्तों, लगभग 10 मेडिकल कॉलेजेस है दिल्ली में, जिसमें 1497 MBBS की सीट्स हैं। इसमें से 8 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जिसमें 1247 इसमें 1247 MBBS सीट है गवर्नमेंट की। सम ऑफ द टॉप मेडिकल स्कूल जो दिल्ली में है वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एम्स, ये दो जो है बहुत ही टॉप क्रेडिट का माना जाता है। इसके बाद बात करूँ, देयर आर ऑल्सो 35 MBBS कॉलेज इन दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में लगभग 35 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं MBBS के, इसमें से 9 बींग पब्लिक, इसमें से 9 पब्लिकली है और 8 जो है वो प्राइवेट है। दोस्तों, इसके साथ साथ 8 जो गवर्नमेंट कॉलेज है और 2 प्राइवेट कॉलेज है, इसको अप्रूवल मिला हुआ है NMC से, इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन से दिल्ली में। तो ये थे कुछ दिल्ली के फैक्ट्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि ये टॉप 10 जो गवर्नमेंट कॉलेज है दिल्ली में, यानी जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं वो कौन कौन है। इसमें दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोस्तों, आप ये जानकर बहुत हैरान होइएगा कि इसकी जो फी है, कोर्स फी, वो एक साल की मात्र 1628 रुपये है, बस 1628 रुपीज़। ये न्यू दिल्ली में पड़ता है कॉलेज, दिल्ली NCR में, और ये UGC से अप्रूव्ड है। दोस्तों, इसके साथ साथ बात करूं कि इसका जो हमेशा NIRF रैंकिंग, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं, उसमें हमेशा टॉप रैंक सिक्योर करती है, क्योंकि इसमें जो भी फैसिलिटीज़ है, यहाँ का जो कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, प्रोफेसर्स या जो लेक्चर लोगों का, जो टीचर्स लोग यहाँ पे हैं, सब बेहतरीन माना जाता है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ों के, सारे क्राइटेरियों को देखने के बाद ही NIRF जो है वो रैंकिंग सिक्योर करती है, और ये हमेशा 1 पे आता है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज MIMC दिल्ली बोलते हैं, इसकी MBBS एक साल की फ़ी है 4445। दोस्तों, अभी जो मैंने इससे पहले आपका नाम लिया था, सर्टिफिकेट इन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज, यानी ये अलग का कोर्स होता है, ये डिफरेंट कोर्स होता है MBBS से, तो इसको आप MBBS के क्राइटेरिया में, गिनती में मत डालिएगा, ओके। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आपको जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, ये न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, इसका MBBS का एक साल का फी है 9,90,500, ठीक है, और इसमें प्लेसमेंट होने के बाद एवरेज पैकेजिंग आपको मिलता है 3,50,000 और 7,20,000 हाईएस्ट पैकेज गया है इसका। अभी इसका NIRF रैंकिंग 29th है, और ये भी दिल्ली के NCR में पड़ता है, AICTE MCI UGC अप्रूव्ड है ये। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं तो ये है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, VMMC हम लोग बोलते हैं, न्यू दिल्ली में है, ये भी दिल्ली NCR में पड़ता है। इसकी MBBS की एक साल की फ़ी है 50,000, यानी 50,000 रुपये इसकी MBBS की फ़ी है, और इसको जो NIRF रैंकिंग मिला है, ये मिला है आपका 8 इंडिया में, जैसे इंडिया के टोटल MBBS कॉलेजेस में जो इसने NIRF रैंकिंग का स्कोर किया, ये 2023 के अकॉर्डिंग, 2024 का जैसे ही NIRF रैंकिंग आएगा मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। दोस्तों, 6 नंबर पे जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज UCMS, यहाँ पे MBBS की फ़ी जो है वो 30,750 रुपीज़ है, ये भी MCI से अप्रूव्ड है। एक साल की फ़ी मैंने बताया 30,750 रुपये है, और इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो NIRF रैंकिंग है वो 10th है। दोस्तों, नेक्स्ट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़ा नाम है इसका, LHMC, मात्र इसकी फ़ी है 1655 रुपये। फ़ी पे बहुत ज़्यादा लोग, ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि उसका फ़ी कम होता है। 1655 रुपये एक साल की फ़ी है,
ठीक है ना, बस यही चीज समझ जाइए। इसका जो रैंकिंग है वो 9th सिक्योर किया है इन्होंने NIRF रैंकिंग इंडिया में टोटल कॉलेजेस में। 8 नंबर पे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इसको SEMS बोलते हैं, न्यू दिल्ली, ये भी दिल्ली NCR में पड़ता है। इसका एक साल का फी है 367,125 रुपये, 367,125। इसका जो NIRF रैंकिंग सिक्योर है वो 25th है। आई होप दोस्तों कि ये 8 कॉलेजेस के बारे में जानने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली में और कॉलेजेस हैं जो बहुत सारे कोर्सेज को ऑफर करते हैं MBBS के अलावा भी, तो इसके बारे में मैं बहुत जल्दी अपडेट दूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।